रेवा कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश, रेड आर्मी दिल्ली वर्सेस रेवा कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश, फॉर टीम प्लीज गेट रेडी, दिस इज द फर्स्ट कॉल बॉय. महिला कबड्डी प्रेक्षक यांची सुद्धा उपस्थिती या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी आहे. आपलेही स्पर्धा संयोजन समितीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत सुस्वागत. कोर्ट नंबर 3 वरती अत्यंत चांगला सामना होण्याची अपेक्षा त्या ठिकाणी कबड्डी प्रेमींना आहे. अनेक राष्ट्रीय खेळाडूंचा सहभाग असलेले दोन्ही संघ आमने सामने भिडेंगे. ग्राउंड कमांड 3 के ऊपर कोर्ट नंबर 2 सेंट्रल रेलवे 15 गुण 6 गुण विश्व शांति. आतापर्यंत जो खेळ झालेला आहे याच्यामध्ये 9 गुणांची आघाडी सेंट्रल रेलवे संघाकडे पाहायला मिळते. इन द मेन सेक्शन हिरण्यकेशी कोल्हापूर वर्सेस बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द लास्ट टाइम फायनल कॉल बॉल ऑन कोर्ट नंबर 4. ऑफिशियल्स कोर्ट नंबर 4 ऑफिशियल्स प्लीज कम एंड टेक योर चार्ज. कोर्ट नंबर 4 प्लीज टेक योर स्कोर शीट ऑफिशियल्स. कोर्ट नंबर 4 यारिद्र अल्ली बन्नी स्कोर शीट तगोळ्ळि. कोर्ट नंबर 4 वुमन सेक्शन हिरण्यकेशी कोल्हापूर हागू बेळगाव डिस्ट्रिक्ट रेफरी बन्नी परशूट करने में काव्या एक पॉइंट का हिसाब आपने टीम के लिए करते हुए. इन द वुमेन सेक्शन नेक्स्ट मैन एसएसपी राजस्थान वर्सेस नितिन कॉलेज पोरबनी, दिस इज सेकंड कॉल फॉर यू पोरबनी वर्सेस राजस्थान. बहुत ही बढ़िया एंकल, उनके एंकल से बचना है तो जीते. इन द मेन सेक्शन इंडियन नेवी वर्सेस एम स्टार कर्नाटका, रेड आर्मी वर्सेस रेवा कॉर्पोरेशन एमपी, दिस ऑल टीम मैनेजर्स this is a second first call for andar jo hai jasmin mein badar ho gaya badhiya range ek hi range mein pure team ka safai karne ka mauka tha. अच्छी खासी लीड अब तक के खेल में बना चुकी है रेलवे की टीम. 21 सेंट्रल रेलवे 7 पॉइंट विश्व शांति. सुपर टैकल की सिचुएशन क्या होगा, कौन होगा किस पर भारी, कौन जीतेगा ये कबड्डी. अच्छा प्रयास किया था मैदान से बाहर, इस मैच में वापसी का रास्ता खोल दिया है उस डिफेंडर ने. क्या उसका फायदा उठाने में कामयाब हो गए विश्व शांति की रेडर. हलवु प्रो कबड्डी आटगार जो नम कर्नाटक प्रो कबड्डी आटगार नोड़ता है अंकन ಒಂದರಲ್ಲಿ युवा कर्नाटक ತಂಡದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಬಲಬದಿ ಮತ್ತು ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಕವರ್ಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತವರು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 6 ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಜರ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಜರ್ಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು
कवर स्थान उत्तम दाड़ी शशांक तश्री आता एर अंक जो मत युवा कर्नाटक पुणे पोलिस विरुद्ध उत्तम प्रदर्शन कोल्हापुर रेंज पुणे पोलिस जुले ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्व मना मना आज रुंजी घातो या ग्रुप का ज्यादा संस्था संघटना परिस स्पर्श जरा सर्व संस्था आज आकाशी झेप घेत है शेकडो हजारों युवकांना हाताला काम देणारा हा ग्रुप संपूर्ण कर्नाटक राज्यामध्ये सगळे तर भारत वर्षामध्ये या ग्रुपच्या माध्यमातून अनेक संस्था त्या ठिकाणी काम करते याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे युवा कर्नाटक तंड मत्ते अंकवन्न गळिसिकोळ्ळुत्ता कैचिंग विभाग लेफ्ट कवर मत्ते कॉर्नर कॉम्बिनेशन मत्ते काणता इदे पुणे पोलिस तंडद विरुद्ध उत्तम प्रदर्शन बरता है मत नाक यशवंत मदाड़ी इबर आटगार मध्य सूपर टैकल आन आगे टैकल पड़े पुणे तक एर अंक संपादने आगे अद्कवे एचरक हज्जेतर यशवंत नीलकाय आटगारे प्रयत्न ये कसिकल रेडर सदर्भ पुणे पोलिस तक डिफेडर रेडिंग विभाग प्रयत्न मुनार डिफेन्स के हेच्चु वत्तवन्नीता रेडिंग यदे प्रयत्न वापस आगता कैचिंग विभाग के हेच्चु वत्तवन्नीता थर्ड टू आर डायरेक्टर हेमंत युवा कर्नाटक तंडद परवागि अंकवन्न गळिसलेबेकाद ओत्तडद जोतेगे टू आर डैन जोतेगे इदीग सूपर टैकल सन्निवेश कूड ओळ्ळे प्रयत्न इवरिगे आगिल्ल इल्लि बर्ता इदे अंकल ओळ्ळे प्रयत्न कूड डुक्की प्रयत्न कूड आद्रे यशस्वी टैकल आगता इदे ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಇತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ದಾಳಿಕಾರ ಐದಿಗ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ನಿಂದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಓತಲವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ನಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಜಾಗದಿಂದ ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ದಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಶವಂತ್ ಟೂ ಟಚ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಒಂದಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು ಯಶವಂತ್ ರವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ बोनस प्रयत्न बोनस प्रयत्न के टैकल बंद बोनस अंक पुणे तक आल औट पॉइंट युवा कर्नाटक तक बलिष्ठ तुखामुखी युवा कर्नाटक तीग मुन आरंभिक मुन कलिष्ठ तरुद्ध युवा आटगार पड़े युवा कर्नाटक मधु दाड़ी अरतु निधान ग्रउंड क्रमांक 3 वरती सेंट्रल रेलवे मुंबई वर्सेस हैदराबाद या दोन्ही संघांच्या मध्ये सामना सुरू सेंट्रल रेलवे सहागू हैदराबाद सहागू अत्यंत रोमांचकारी आणि डोळ्यांचा पारणा फेडणार असा सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो प्रो कबड्डी स्टार खेळाडू या सामन्यामध्ये खेळत आहे सेंट्रल रेल्वे मुंबई कडून राइट कॉर्नर साथ के डिफेंस में ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಕಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಜಿಗಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ
ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಒಂದೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಪಾಸ್ಕಿಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ युवा जोश है सभी दोनों टीमों के बीच लंबा चौड़ा कद है उस रेडर का कोई खास प्रयास किया नहीं 30 सेकंड का टाइम बिताकर अपने कोर्ट में वापस टाइम आउट लिया गया किसी भी टीम को हाफ से पहले दो बार टाइम आउट लेने का मौका मिलता है इसी वक्त अपने प्रशिक्षक से कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि थर्ड रेड के लिए किसे भेजा जाए और आने वाले पल में क्या रणनीतियां होनी चाहिए इस खेल में इन द मेन सेक्शन इंडियन नेवी वर्सेस यंग स्टार कर्नाटक रेड आर्मी वर्सेस रेवा कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश कोल्हापुर जिल्ह्याची हिरण रागिनी आपल्या उत्कृष्ट खेळाचं प्रदर्शन करताना पाहायला मिळते फेस टूट पड़ा रेडर को हिलना नहीं दिया मैदान से बाहर मेडिकल टीम जो ग्राउंड क्रमांक तीन वरती आवश्यकता है मेडिकल ची टीम ग्राउंड क्रमांक तीन डॉक्टर्स प्लीज इंडियन नेवी इंडियन नेवी टीम मैनेजर आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट प्लीज वेट Your match is postponed. Indian Navy. वैद्यकीय सेवा ग्राउंड क्रमांक तीन ग्राउंड क्रमांक तीन के ऊपर बड़ा संघर्ष बड़ा कड़ा मुकाबला एक एक पॉइंट के लिए कशमकश जारी है ग्राउंड क्रमांक तीन के ऊपर कोई भी टीम किसी पर हावी होने नहीं दे रही बहुत ही तगड़ा डिफेंस लेकिन संदीप धूल अकेले उनका सामना करने गए थे लेकिन रेडर में इतना जोश था कि सही सलामत अपने कोर्ट में वापस बहुत ही बढ़िया रनिंग की लगाने की कोशिश बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन इस रेडर ने सभी कबड्डी प्रेमियों का दिल अपने खेल से जीत लिया अपने खेल से सभी रेडर कबड्डी प्रेमियों के दिलों में छा जाते हैं बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए ग्राउंड क्रमांक तीन के ऊपर जितना नाम बड़ा है उतना ही बड़ा काम किया अपने टीम के लिए बहुत ही बढ़िया एंकर होल्ड संदीप धूल इस मैदान पर छा गए संदीप धूल संदीप धूल के एंकल से छूटना है तो चीते जैसी रफ्तार होनी चाहिए रेडर के पास सेंट्रल रेलवे मुंबई डहाडून हैदराबाद आठ रूम दोन गुणांच्या गाडी मुंबई या संघाकडे पाहायला मिळते दुरुस्त है रेडर एक ही रेड में पूरे टीम का सफाया कर दिया दो पॉइंट टच के दो पॉइंट अलाउट के एक एक पॉइंट से अपनी टीम की लीड बढ़ाती हुई सेंट्रल रेलवे मुंबई
सेंट्रल रेलवे पंद्रहू हैदराबाद 8 पॉइंट 7 पॉइंट की लीड अब तक के खेल में बना चुकी है सेंट्रल रेलवे के खिलाड़ी। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत से राष्ट्रीय टूर्नामेंट का अनुभव उनके पास है, लेकिन अभी भी बहुत मैच बाकी है, आखिरी रेड तक कुछ कहा नहीं जा सकता। एक या दो सुपर रेड से पूरे मैच की तस्वीर बदल सकती है और वो काबिलियत सभी रेडर के पास है, कहीं मत जाएगा, दिल थाम के बैठे। अत्यंत रोमांचकारी डोळ्याचं पारण फेडणार असेल पर रोकने की कोशिश। फिर एक बार जर्सी नंबर 7 अपने टीम के लिए रेड पर 5 के डिफेंस में। बहुत ही कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष, एक एक पॉइंट के लिए कशमकश करते हुए सभी रेडर। बहुत ही कड़ा डिफेंस है दोनों टीम का। थर्ड रेड है, 30 सेकंड का टाइम होता है सभी रेडर के पास। उस 30 सेकंड में सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है सभी रेडर को। बोनस का प्रयास, ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೊಂಗೆ ಅವರ ದಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9ರಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೊಂಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲೊಂದು ರನ್ನಿಗೆ ಅಂಟೆಚ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ कोड नंबर 3। फिर एक बार अपने कैप्टन ने जैसे नंबर 8 पर विश्वास जताया है, क्या ये कमाल कर पाएगा रेडर? नहीं, पूरे फंस दिए गए सेटर ने दोनों थाल में एंकर के एंकर होल्ड किया। फिर एक बार जैसे नंबर 3 अपने टीम के लिए 5 के डिफेंस में। बहुत ही कशमकश जारी है, एक एक पॉइंट के लिए संघर्ष करते हुए सभी रेडर। कल मत सुल्तान डोंगे जर्सी नंबर 9 ರಲ್ಲಿ ಅಂಕನ 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ಯಾಕಲ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಿಡಿತದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ನರ್ ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್। ಹರ ರಾತ್ ಚಾಂದನಿ ರಾತ್ ನಹೀ ಹೋತಿ, ಹರ ರೇಡ್ ಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಹೀ ಮಿಲ್ತಾ, ಯಹಿ ದೇಖ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೆ ಊಪರ್। ಪಾಟೀಲ್ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡಿ, ಧೂಲ್ ಕೋ ಫೂಲ್ ದೇನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ ಲೇಕಿನ್ ನಾಕಾಮಯಾಬ್, ಮೈದಾನ್ ಸೆ ಬಾಹರ್। ಮುಂಬೈ 18 ಗುಂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕ್ಯೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ। ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಮಹಿಳಾಂಚ ಸಾಮನ ಅಜ್ರಾ कोल्हापूर जिल्हा या संघाचे 2 झालेले आहेत 7 आणि अथनी या संघाचे 7, 9 गुणांची आघाडी आतापर्यंतच्या खेळामध्ये या संघाकडे पाहायला मिळते। कोर्ट नंबर 4 अजरा 7 गुण
अथली सोलागो वाओ वाओ वाओ। इस कबड्डी मैदान पर ए नहीं देखा तो क्या देखा आपने, बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन। संदीप धूल अपने खिलाड़ियों को कुछ सजेशन देना चाहते हैं, अपनी टीम को कंट्रोल करना चाहते हैं। संदीप धूल सर एक मिनट। इन द मेन सेक्शन इंडियन नेवी वर्सेज यंगस्टर कर्नाटक, रेड आर्मी वर्सेज रेवा कॉर्पोरेशन एमपी। दिस इज द सेकंड कॉल फॉर ऑल टीम्स प्लीज गेट रेडी। इंडियन नेवी वर्सेज यंगस्टर कर्नाटक, रेड आर्मी वर्सेज रेवा कॉर्पोरेशन एमपी। प्लीज गेट रेडी। मध्यंतरापर्यंत खेळ थांबलेला आहे। सेंट्रल रेलवे मुंबई 19 गुण, हैदराबाद मध्यंतरापर्यंत 13 गुण, 6 गुणांची आघाडी मध्यंतरापर्यंत मुंबई या संघाकडे त्या ठिकाणी पाहायला मिळते। ಅವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ 27-19 27-19 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ ದ ವುಮೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವತ್ತು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ. Nitin College forwarding. This is the last time final call for what teams? Automata Bhattu Ji Prayatna. Vyaspitavar apne barobar upasthit ahet Sri Anup Gandola Ji, Pro Kabaddi Coach, Tamil Talaiva Team Che. Mi Baso Prasad Jolly Ji na vinanti karto tyanni Anup Ji cha satkar Jolly Group marfat karava. ते त्यांची टीम या वर्षीची ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ऑफ प्रो कबड्डी सीझन 9। जोरदार टाळ्याने अभिनंदन करा निपाणीकर, कृपया जोरदार टाळ्याने अभिनंदन करा अनुपजींचं। धन्यवाद। एसएसटी राजस्थान वर्सेस नितिन कॉलेज फॉरवर्डिंग। आज के दिन इस मैदान पर नितिन कॉलेज परमानेंट टीम इज प्रेजेंट हियर इन द ग्राउंड। एसएसबी राजस्थान प्लीज कम टू द ग्राउंड। एसएसबी राजस्थान प्लीज कम टू द ग्राउंड। योर अपोनेंट टीम नितिन कॉलेज परमानेंट इज प्रेजेंट ऑन कोर्ट नंबर 2। जो भी टीम आज के इस मैदान पर आक्रामक तेवर के साथ खेली है उन्हें ही जीत का मौका मिला है। इस मैदान पर कहीं जीत का जश्न है। नेक्स्ट मैच इन द वुमेन सेक्शन आरएसबीसी मुंबई वर्सेस टीकेआर कॉलेज तमिलनाडु। आरएसबीसी मुंबई वर्सेस टीकेआर कॉलेज तमिलनाडु। कोर्ट नंबर 2 ऑफिशियल्स प्लीज टेक योर। संदीप धूल ने इस रेडर को टाइम पास के तौर पर यूज किया है। जब अपनी टीम लीड में हो तो कोई खड़बड़ी मरा मचाने का खेल करने की कोई जरूरत नहीं। प्रभात सर तवेले दे, प्रभात सर ओके आइते कैच तक इधर मारो, फ्री इधर बा। एक फूल से माला नहीं बनती, उसी तरह एक एक पॉइंट से मैच नहीं जीते जाते। जो दिमाग से खेले जाने वाले मैच ही जीते जाते हैं इस कबड्डी खेल में। इस कबड्डी खेल में सब कुछ है, जज्बा है, जुनून है, जोश है, जो सिर्फ देखने को मिलता है इस कबड्डी खेल में। भारतीय कबड्डी अत्यंत संक्रमण काळातून जात असताना 2014 मध्ये प्रो कबड्डी सुरू झाली। प्रो कबड्डी आणि स्टार स्पोर्ट्स वाहिनी अखिल भारतीय कबड्डी असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी यांनी कबड्डीला ऊर्जित अवस्था प्राप्त करून दिली
आवापस हलाल मातीतील खेळ साता समुद्रापार कधी पोहोचला हे कळलं सुद्धा नाही। भारतवर्ष की कबड्डी का खेल आसमान की बुलंदी को छूता हुआ। इस मैच में वापस आना है तो उस रेडर को चलना होगा। दस नंबर वन सुपर टैकर के सिचुएशन में ग्राउंड क्रमांक चार पर कोर्ट नंबर थ्री पांच का डिफेंस बोनस की कोई गुंजाइश नहीं। पहला हुआ डिफेंस एक पॉइंट निकालने के लिए पूरा मैदान हांफना पड़ता है रेडर को। टाइम बिताकर अपने कोर्ट में सही सलामत वापस। मुंबई 20 गुण हैदराबाद 15 गुण अच्छा प्रयास टो टच का। वाओ 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 बहुत ही बढ़िया। अरे मित्रांनो जरा टायनचा गजर होऊ देना है खेळाडूंच्यासाठी। इस कबड्डी मैदान पर ये नहीं देखा तो क्या देखा आपने। बहुत ही बढ़िया रनिंग हैंड टच एक पॉइंट का इजाफा करते हुए काउंट हो रहा मंडराता हुआ सेंट्रल रेलवे मुंबई को। इन द मेन सेक्शन आरएसबीसी मुंबई और से पीके कॉलेज तमिलनाडु अलवाज मूड मित्री और से जवाहर शुगर कोलापुर। अपने साथी को अंदर लाना है तो टोटल पॉइंट निकालने होंगे। आरएसबीसी मुंबई कॉलेज तमिलनाडु अलवाज मूड मित्री और से जवाहर शिवर कोलापुर प्लीज गेट रेडी। दो के डिफेंस में अब आएगा असली मजा ग्राउंड क्रमांक तीन के ऊपर। सभी की नजर ग्राउंड क्रमांक तीन के ऊपर। आर्ग्युमेंट नो आर्ग्युमेंट नो आर्ग्युमेंट पंचांचा निर्णय अंतिम राहील। शांत रहा एमडी एम इन द मेन सेक्शन टीम का जयदीप प्लीज ग्राउंड के अंदर आइए। जयदीप एमडी यू रोटर टीम का जयदीप आखिरी खिलाड़ी बचा है। बोनस से पॉइंट तो मिलेगा लेकिन अपना साथी अंदर नहीं आएगा। करो या मरो की रेच लेकिन नाकामयाब दबोच लिया सभी डिफेंडरों ने और सेंट्रल रेलवे पर पहला ऑलआउट देने में कामयाब हैदराबाद की टीम। बड़ा संघर्ष बड़ा मुकाबला कोर्ट नंबर तीन के ऊपर। मुंबई 21 हैदराबाद 22 पहली बार हैदराबाद टीम लीड में आ चुके हैं और वो सिर्फ लीड है एक पॉइंट की। इन द मेन सेक्शन इंडियन नेवी वर्सेस एम स्टार कर्नाटक रेड आर्मी वर्सेस रेवा कॉर्पोरेशन एमपी दिस इज सेकंड कॉल्पोरी। कबड्डी प्रेमी कोणाला शुगर आणि बीपीचा त्रास असेल तर डॉक्टरला आणि जवळ घेऊन बसा। इतका रोमांचकारी सामना ग्राउंड क्रमांक तीन वरती सुरू आहे। दिल की धडकने धक धक करने लगी है। 21 ಬದಲಪ್ಪ ಚೌಡ ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೌಗೆ ಅಂಕನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ
लास्ट टाइम फाइनल कॉल पर आरएसबीसी मुंबई वर्सेस टीकेआर कॉलेज तमिलनाडु, तमिलनाडु वर्सेस आरएसबीसी मुंबई। बहुत ही बढ़िया हैंड टच, फ्लाइंग हैंड टच किया संदीप धुल को। कांटों में से फूल चुनना उस रेडर को अच्छी तरह से आता है। और कोर्ट नंबर फोर, नेक्स्ट मैच वुमेन सेक्शन आरएसबीसी मुंबई वर्सेस टीकेआर तमिलनाडु। बोथ द टीम मैनेजर्स प्लीज ब्रिंग योर टीम और कोर्ट नंबर फोर। मतलब दाड़ी यशवंत मत तेसरी आता है कोने निमिष आटे 34-26 मुन युवा कर्नाटक तंड कोने निमिष आट मुंता है। टैकल कर दिया गया उस रेडर को, अपने साथी संदीप धुल को वापस मैदान में कोर्ट में लाने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा। और तुम मतलब होंगे हेड़ता युवा कर्नाटक तंड ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। 35-26 ರಲ್ಲಿ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಜೈವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜೈವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ।